मिलता है, बोला हरेक सत समागम। यदि ये साधु संग से ही ये सारे दुख कष्ट पाप ताप ये साधु संग से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, दो चीज जगत में दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो ये दो चीज दुर्लभ है, कहते बीत दारा और सुत पापी को भी। रावण पास में भी बहुत रुपया पैसा था, एक से एक सुंदरी स्त्री थी, और जिसको घर में 1,00,000 बेटा सवर्णनाथ नाथ होते थे, लेकिन एक चीज से दूर था, भगवान की भक्ति से वो दूर था, भगवान की भक्ति से दूर है। इसलिए हम लोग का बड़ा अच्छा दिन है, हम लोग यहाँ पर आकर के हरि कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ विवेचना करते हैं। समझो ये बहुत बड़ी चीज है, आपको पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन ये चीज बहुत बड़ी ये चीज है। आप जो थोड़ी सी समय आकर के यहाँ पर कीर्तन हरि कथा सुनकर ना, इसको साधारण मत समझना। ये शंकर स्वयं कहते पार्वती को, अति हरि कृपा जा पर होई पाप गई ये शंकर। शंकर स्वयं कहते पार्वती को, बोले पार्वती जीवन में ये साधु समझ नहीं मिलती है। अब देखो पूरा जनकपुरी में कहीं लोग ऐसे बैठ कर कई कथा हो रही है, कई कथा होती हो, कैसे कथा भगवान की बात बार जहाँ जाओ उल्टा पुलटा चिंता चुगली सारा दुनिया की गलती गलती। भगवान की कथा कहाँ मिलती? अब स्वयं देख लेना, या जितना समय बैठो भी मन को कितने शांति मिलेगी। जब यहाँ से जाओगे ना हृदय में शांति लेकर के जाओगे, लेकिन दुनिया करने की बात करो उल्टी पुलटी बात करो, जब जाओगे ना हृदय में दुख लेकर जाओगे। उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, घर में बीवी से बनता नहीं, बहुत व्यवसाय झगड़ा हो रही है, सास बहू की लड़ाई, बेटा पिता की लड़ाई, सारा दुनिया की बात करोगे ना दुखी दुखी होकर जाओ। लेकिन जब भगवान की कथा सुन करके जाओ हृदय में शांति को लेकर के जाओ, ठीक है ना। इसलिए देखो आज हम लोग जो सुनेंगे भगवान के नाम की क्या महिमा, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। इसलिए जितने वेद पुराण उपनिषद आप जितने सारे शास्त्र पढ़ो, अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन कर दिया जाए, जैसे दही को मंथन करने से मक्खन निकलता है, ठीक है ना, अगर सारे शास्त्र को अगर हम मंथन करेंगे ना, तो बोले एक चीज निकलेगा, भगवान का नाम। भगवान का नाम ही एक चीज निकलेगा। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, बोले जब ये रामायण लिखी गई उसमें था 1,00,000 श्लोक, उसमें कितना श्लोक था? 1,00,000 श्लोक था। अब ये 1,00,000 श्लोक को लेकर के देवता दैत्य और इंसान में लड़ाई। देवता कहते हैं हमें मिलनी चाहिए, दैत्य कहते हैं हमें मिलनी चाहिए, इंसान कहते हैं हमें मिलनी चाहिए। तीनों में लड़ाई, तीनों में लड़ाई हुई, तो बोले भैया किसको मिलनी चाहिए, अरे किसको मिलनी चाहिए, अरे एक काम करो लड़ करके कोई फायदा नहीं, चलो ये ग्रंथों को जिसने बनाया है ना हम उनको पास में जाते हैं, वो की चीज को मीमांसा करें। बोले बनाया किसने? बोले भोले बाबा। शंकर जी जितने पुराण को देखो, शंकर जी बोलते हैं माता पार्वती सुनते हैं सारे ग्रंथ है जितने पूरा, और जो शंकर जी को पास में चलते हैं वो क्या करते हैं? शंकर जी को पास में लड़ाई लेकर गए, शंकर जी बोले देखो लड़कर कोई लाभ नहीं, तो इधर बैठ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूँ। तो उन्होंने बंटवारा करवाए, 1,00,000 श्लोक था, बोले 30,00,000 दे दिया, फिर कितना रह जाएगा? 10,000 रह गया। फिर किसको भी लेकर लड़ाई हुई? बोले हमें मिलनी चाहिए, अरे 3,000 दे दिया, रह जाए कितना? 1,000। फिर उसको भी लेकर लड़ाई हुई, फिर उन्होंने 1,000 को 300 300 300 बटवा दिया, फिर कह जाए कितना? 100। इसको भी लेकर लड़ाई हुई, फिर लड़ाई हुई तो 100 को उन्होंने 30 30 30 बटवा दिया, फिर कितना रह जाए? 10। उसको फिर लेकर लड़ाई हुई, फिर इतने बोले बोले फिर उसको बंटवारा 3 3 3 कितना रह जाएगा? 1। एक चीज को समझो, एक श्लोक में 4 चरण होता है, ये चीज को समझो। 4 चरण मतलब है जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये एक चरण। समवेत जुजुस्सव, ये एक चरण। माम कहा पांडवास्तव, ये एक चरण। किम अकुर्वन् संजय, ये एक चरण।
हैं। एक श्लोक में तीन चरण होता है, एक श्लोक लेवल राइल बोले हमें मिलती चाहिए, तो उन्होंने एक चरण एक चरण एक चरण तीनों को बंटवा दिया, एक चरण फिर इसको लेकर लड़ाई, फिर लेकिन हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक चरण में होता है आठ अक्षर, कितना होता है देख लो, जैसे धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र चार अक्षर है, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समित दुष्टम, ये एक चरण में आठ अक्षर है, इसको लेकर लड़ाई, फिर उन्होंने दो 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 दे दिया अक्षर दे दिया, बच गया लास्ट में दो अक्षर। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किए है भैया, हमें तो कुछ मिलनी चाहिए, हमें तो कुछ मिलनी चाहिए, इसको ये हमें दे दो। इसलिए शंकर जी अपने कंठ में ये दो अक्षरों को धारण कर लिया, राम नहीं तो कृष्ण, राम नहीं तो कृष्ण। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जेई जपत महेशा काशी मुख ती है दो उपदेशा। बोले काशी में आपको पता होगा कि नहीं, काशी में अंतिम समय में लोग प्राण छोड़ना चाहते हैं, काशी वहीं पर अंतिम श्वास को त्याग करना। बोले क्यों? बोले काशी में अगर कोई व्यक्ति जाए वहां पर शरीर त्याग देता है, शंकर जी अंतिम समय पर उनको कानों में ना ठाकुर का नाम सुना देते, कृष्ण ने तो राम नाम को सुना देते। बोले मरने जा मति सागति है, कहते जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भावत। गीता में कहते कृष्ण अर्जुन अंतिम समय में इंसान जैसे सोच सोच करके प्राण त्याग देता है उसको ठीक वैसे ही कहते। इसलिए भागवत में भरत महाराज जिनका नाम पर भारत वर्ष हुआ, अंतिम समय में उन्होंने हिरण हिरण को चिंतन करते करते अगले जीवन हिरण बनते। इसलिए घर में कुत्ते नहीं पालनी चाहिए, समझ रहे हो, फिर लास्ट में ना कुत्ते को स्वस्थ फिर कुत्ते जीवन, इसलिए कुत्ते पालना नहीं करनी चाहिए। इसलिए शंकर जी इसलिए कहते पंचम मुख राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी पंचम मुख में किसका नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते। क्यों? कहते अगर दो अक्षर, अगर ये दो अक्षर किसने जप कर लिया तो समझो उसको रामायण पढ़ना हो गया, उसको भागवत पढ़ना हो गया, उसको वेद पुराण सब कुछ उसने पढ़ लिया जिसने प्रभु का नाम को जप कर लिया। इसलिए शंकर जी अपना कंठ में प्रभु का नाम को ही धारण किया है। इसलिए शंकर जी को जगत में इतना पूजा क्यों हो रही है? गोस्वामी जी कहते बोले एक ही कारण से जगत में पूज्य है, क्योंकि शंकर जी दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। माता पार्वती अभी हैं, जय माता जी कहते हैं ना, जय माता जी सारा दुनिया में इनके पूजा। बोले क्यों पूजा होती है? एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु जी हमें किसका नाम लेनी चाहिए, हमें किसकी जप करनी चाहिए। माता पार्वती स्वयं प्रश्न करते हैं शंकर जी को, ये शंकर खुद कहते हैं बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यं श्रीराम नाम भरावन। शंकर खुद स्वयं कहते हैं बोले हे सुंदरी पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम है, विष्णु का 1000 नाम है, जिसको पितामह भीष्म जी ने 1000 नाम सर्वप्रथम भगवान की स्तुति की थी, 1000 विष्णु का जो नाम जो जप करेगा उसको वही फल मिलेगा जब एक बार श्री राम का नाम लेगा, एक बार नाम के नाम समान 1000 विष्णु का नाम। अब रामायण पढ़कर देखिएगा, वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं बोले सहसना मासुनी प्रिय बानी जापी जय प्रिय संग भवानी। कहते शंकर जी पार्वती के इतना प्रेम क्यों करते हैं? इसलिए पार्वती के इतना प्रेम कर रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं जब शंकर जी बताए हैं 1000 विष्णु नाम से जो फल मिलेगा, एक बार श्री राम नाम से फल मिलेगा, तब से माता पार्वती आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, एक हाथ में माता जी के हाथ में माला है। इसलिए शंकर जी पार्वती को इसलिए इतना प्रिय करते हैं क्योंकि वो दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। अब भागवत में सुनोगे जब चित्रकेतु महाराज आकाश में भ्रमण कर रहे थे, जब कैलाश के ऊपर पहुंचे
देखा शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए और ऋषियों को बड़ी बड़ी त्याग की बात बता रहे थे और चित्रकेतु महाराज और शंकर गुरु भाई लगते एक गुरु जी का शंकर दोनों ही शिष्य है। इतने में चित्रकेतु ने तुरंत ठोटली कर दी क्या की शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए सब ऋषियों के सामने गुरु भाई लगते ना गुरु भाई में आपस में कभी ठोटली करते बोले देखो पत्नी को एकांत में गोद में लेकर बैठते ये सब ऋषियों को सामने शंकर जी पार्वती को लेकर गोद में बैठे और ऋषियों को उपदेश दे रहे ये कोई आचरण है। इतने में माता पार्वती को क्रोध आ गई बोले यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं और तू बोलने वाले कौन होते हो और शंकर जी जो सत्यम शिवम सुंदरम उसको बोलने वाले तू कौन होते हो अभिशाप देता हूँ तुम अगली जीवन में राक्षस जन्म में जाओ इसलिए उनको विकास होता बनना पड़ा। अभी प्रश्न है ये चीज को समझो फिर शंकर जी सबके सामने क्यों पार्वती को गोद में फिर बैठे जो सत्यम शिव सुंदरम योगी योगी महायोगी फिर सबके सामने क्यों पार्वती को गोद में क्यों लेकर बैठे हुए थे उसका कारण बताए। अगर कोई एक बार कृष्ण का नाम ले तो राम का नाम अगर कोई एक बार लेना कोई भी अगर लेता है भले ही पृथ्वी का किसी कोने में क्यों नहीं हो जब शंकर जी सुनते हैं अमुक व्यक्ति ही भगवान का नाम लेते हैं शंकर जी वहीं से ही उनको प्रणाम उनको प्रणाम करते हैं क्यों भगवान का नाम ले इतने भगवान के नाम लेने की इतने महत्व इसलिए कृष्ण अर्जुन को ये बात कहते हैं बोले जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत बोले हे अर्जुन प्रभु का नाम कौन ले सकता है बोले सभी नहीं ले सकते बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम जिसने पहले जीवन में एक जन्म नहीं जिसने 100 जन्म तक जिसने भगवान वासुदेव की अर्चन पूजा पहले की है बोले तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत हे अर्जुन इसी जीवन में वही व्यक्ति की मुंह में ही भगवान की नाम उच्चारण हो रहा है। आप लोग जो गले में कंठी तिलक वाला हरि नाम कहते हो ना समझना भगवान खुद कहते पहले जन्मों ने 100 जन्म तक आपने सेवा पूजा करके आए हो तभी अभी आपके मुंह में भगवान के नाम ले रहे ताली बजाओ तुम लोग नाम बजाओ हरि की नाम को जप कर रहे हो हैं भगवान कपिल देव वो क्या कहते हैं बोले अहो गत सपोच तो गरियार जत जिह्वा ग्रे वर्तते नाम दुर्गम भगवान खुद कहते हैं इसको माँ देवती को अपना माँ को बोले अहो अहो मतलब क्या है जैसे कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं ना कोई आश्चर्य क्या आश्चर्य बोलते ना क्या आश्चर्य है क्या आश्चर्य है भगवान कहते बोले माँ जिसकी व्यक्ति की जिह्वाग्रे मतलब केवल जिह्वा में नहीं जिह्वा की अग्रदेश में अगर कोई प्रभु का नाम ले रहा है वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो चंडाल किसको कहते हैं कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते हैं जो कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति भी हो अगर वो भी भगवान का नाम जप करता है भगवान कहते अहो अहो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है जिसकी जिह्वा की अग्रदेश में जो भगवान का नाम ले रहे हैं फिर क्या समझो ये समझो उसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आए तभी किसी जीवन में किसकी जिह्वा के अग्रदेश में नाम उच्चारण हो रहा है बोले 4 काम क्या करके आए बोले पहला नंबर है जितने तरह का तपस्या कर चुके हैं जितने तरह का दान पुण्य कर सकते हैं जितने तरह का बड़े से बड़े यज्ञ वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ सारे यज्ञ कर चुके हैं और पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है वो व्यक्ति सारे तीर्थ करके आए हैं कितना तीर्थ पृथ्वी में बोलो अरे बोलो कितना तीर्थ है तुम लोग की कथा नहीं सुन रहे भागवत कथा में आते हो कौन कौन आता है कथा में तुम लोग कथा में नहीं आते घर पे बैठे रहते इसलिए कहते जो 6 अरब तीर्थ है कितना है 1 अरब कितना होता है 7 अरब 6 अरब कितना हो गया 600 करोड़ भगवान खुद कहते पूर्व जन्म में उसने 600 करोड़ तीर्थ का भ्रमण करके आए तभी इसी जीवन में प्रभु का नाम जिह्वा में उच्चारण हुआ बोले जिह्वाग्रे जिह्वा में नहीं कहते जिह्वाग्रे
जिह्वा अग्र मतलब क्या है, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिह्वा के अग्र दश में जो नाम करता है, बोले जिसका संपूर्ण जिह्वा भगवान का नाम जप करता है, बोले उसकी महिमा को हम बता ही नहीं सकते। जो संपूर्ण जिह्वा में जिसके नाम उच्चारण होता है, बोले दोनों हाथों से जो ठाकुर को सेवा करते हैं, भैया उसका तो महिमा और भी, बोले जो दोनों कानों में जो ठाकुर का नाम सुनते हैं उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। और दोनों चरण से जो तुलसी परिक्रमा मंदिर परिक्रमा करते हैं, बोले भैया उसका महिमा तो बहुत ज्यादा है, ये ठाकुर स्वयं कहते हैं भगवान का मिलते। इसलिए साधारण भाग्य से जगत में कोई भगवान का नाम कोई ले नहीं सकते। इसलिए माता जी की जगत नाम, इसलिए शंकर जी अगर पृथ्वी का किसी कोणे में अगर कोई व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का नाम जप करते हैं, एक बार कृष्ण राम नाम लिया, शंकर जहां पर हो वहीं से उनको प्रणाम, वहीं से वो प्रणाम करते हैं, वो जहां पर हो। अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर नाम लो, अगर शंकर जी प्रणाम करते हैं, जो व्यक्ति हर्ष में भगवान का नाम लेते हैं, शंकर जी क्या नहीं करते, पार्वती को क्यों गोद में लिए हुई है, क्योंकि पार्वती हर समय में ये प्रभु का नाम को जप कर रही है। इसलिए जपी जयी प्रिय संग भवानी, इसलिए पार्वती उनकी इतनी प्यारी है, हर समय भगवान का नाम को जप करती है। इसलिए शंकर जी कहाँ पर बैठा रखते है, गोद कहाँ रखते है, अगर हम भी ऐसे भोजन करेंगे ना शंकर, हम भी हमें भी ठाकुर जी गोद में भी बैठा कर रखेगी, ठीक है। इसलिए शंकर जी की जगत में इतनी पूजिया है। गणेश जी देख, हनुमान जी को देख, हनुमान जी खुद कहते रामायण पढ़ करके देखो, बोले ऐसे जात में मेरी जन्म हुई है, अगर सवेरे उठ करके मेरे मुंह में देख ले मेरे नाम लेना, दिन भर उसको भूखा रहना। हनुमान खुद कहते क्यों, कौन से जात में जन्म लिया, बोले बंदर, अगर किसी घर में बंदर घुस जाए ना, बोले भैया अपवित्र हो गया, उसको धो डालो, स्थान को परि साफ कर दो, ऐसे कुल में मैंने जन्म लिया। लेकिन आज घर घर में क्यों पूजा हो रही, आप इतना भगवान राम की कितने पूजा होती होगी ना, उससे ज्यादा हनुमान जी है ना। राम का मंदिर तो गिने गुने चुने मिलेगी, लेकिन हनुमान जी को देखो, हर घोड़ घोड़ में हनुमान जी के मंदिर, सब जगह में देखो हनुमान हनुमान बोले है। हनुमान बोले क्यों, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सुमेरी पवना सुत पापन नामो आपन बस करे राखे राम। बोले क्यों जगत में इतने पूजा, बोले सुमेरी पवन सुत पावन नाम, बोले एक ही कारण है, भगवान के पवित्र नाम को हनुमान जी जप करते हैं। बोलो रघुपति राघव राजा राम पति पावन राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। इसलिए क्या करते हैं हनुमान, क्यों पूजा, अपने प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए देखो घर घर में पूजा हो रही कि नहीं हनुमान जी है, हो रही ना हनुमान जी की, केवल एक ही कारण है भगवान के नाम। गणेश जी का नाम सुने हो, गणेश जी का नाम कौन कौन जानते हो, सब जानते हो, क्यों दुनिया जानते हो, हमारे बाप का बाप का बाप को तो दुनिया कोई नहीं जानते, लेकिन गणेश जी को सब जानते, हनुमान शंकर जी को जानते, क्यों कारण क्या है, केवल भगवान के नाम है। एक समय 33 करोड़ देवता का बैठक हुआ, बोले सबसे अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए है, सबसे पहला पूजा किसकी होनी चाहिए, बोले देखो उसकी पूजा सबसे पहले होगी जो ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहला, कितना बड़ी बात है, 33 करोड़ देवता में पहला पूजा किसकी होगा, कितनी बड़ी बात समझो, केवल भारत, केवल अब देखना दिल्ली की ये के लिए मुख्यमंत्री के लिए कितना पार्टी बताओ, कितने सारे पार्टी, कितने लड़ाई झगड़ा आप देखा होगा, एक उसी पोस्ट में आने के लिए कितने पैसा खर्चा करते हैं वोट से पीछे, और भारत का प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना पार्टी, कितना लड़ाई झगड़ा साधारण, लेकिन अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजा किसकी होगी, प्रतिस्पर्धा में देवता इंसान नहीं, जो देवता लोग, जो इंसान जो देवता को पूजा करते हैं, जो देवता को पूजा करते हैं वो देवता देवी के अंदर में सबसे पूजा पहले किसकी होनी चाहिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है,
इतना बोलते ही ब्रह्मा तो बैठे अपना हंस वाहन में उड़ चले। कार्तिक अपना वाहन ले लिया, कौन सा वाहन है, और पूरा उसके ऊपर ले चले। तो जितना देवता थे ना अपना अपना वाहन के ऊपर चढ़े और जी जान लेकर के गए, क्योंकि ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके टीवी में आया था, ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आएगा पहले पूजा उसकी हुई, कितने बड़ी बात है। अभी गणेश कहाँ जाएंगे, उनका वाहन कौन है, इतना बड़ा पेट गणेश का, अभी कहाँ जाएंगे, तो चुपचाप बैठे। इतने में नारद जी आए, बोले भैया क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले कोई चिंता मत करो, हरि से बड़ा हरि का नाम है, एक काम करो भगवान का नाम लो, कृष्ण ने तो राम नाम लिखो, और भगवान के अंदर में अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड है ना, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को दिखाए कि नहीं, बोले अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, कहते मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं, देख मैं कौन हूँ। केवल उन्होंने विश्व ब्रह्मांड नहीं दिखाए, 33 करोड़ देवता दिखाए, यहाँ तक भी मत्स्य कुर्मा वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि सारे अवतार को दिखाया, ये सारे अवतार मेरे अंदर में, विश्व ब्रह्मांड मेरे में है, विश्व ब्रह्मांड अनंत करोड़ और हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले तो भगवान का नाम लेकर 3 बार परिक्रमा कर लो, पता नहीं पर वो तो कितने दिन से आएंगे ब्रह्मांड को परिक्रमा करेंगे, तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं, तुमने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को कितने कितने बार परिक्रमा की, 3 बार सारे देवता घूम नाम करेगा, पसीना पसीना बहरा था, क्यों, पहले पूजा हमारी होनी चाहिए, पहले पूजा हमारी होनी चाहिए, मीटिंग बैठी तो बताओ सबसे पहले कौन आए, किसने कहा मैं आया, किसने कहा तेरे ने आया, तो देखा तेरे से पहले मैं आ गया था, किसने कहा तुमने देखा तेरे से पहले मैं आकर बैठ गया था, किसने बोला तेरे से आगे मैं, अभी अगर लड़ाई लगनी शुरू होगी, इतने में गणेश जी बोले से चुप रहो, तुम तो एक ब्रह्मांड को बनाने कितना दिन में परिक्रमा करके आए, मैं तो एक मिनट में अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने 3-3 बार परिक्रमा की। जब इतना बोले ना जितने सब देवता हा हा करके ठाक आगे हसे, चूहा वाहन इतना बड़ा पेट मोटा जाग था बैठा हुआ, और हम इतने कष्ट करके आ रहे, एक ब्रह्मांड परिक्रमा में हिंस भी आ गए, वो कहता है अनंत कर्म ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए। कहते नारद जी जिसको व्याख्या के बोलना ये सही बता रहा है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, उन्होंने भगवान का नाम को लिख करके 3 बार परिक्रमा की, जय जयकार होगी हनुमान गणेश जी को। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले माही मजा सो जाना कनराओ प्रथम पूजे अतनामा प्रभा, इति समझ रहे हो ना, बोले महिमा जासु जान गणराओ, गणना मतलब गणेश, बोले किसकी, बोले महिमा जासु इसकी महिमा, महिमा बोले भगवान के नाम महिमा, जान गणराओ गणेश जी ने भगवान के नाम की महिमा को समझ गए, इसलिए प्रथम पूज्य तब नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से ही उसकी पहला पूजा हो रही, केवल एक ही कारण है नाम के प्रभाव से। बताओ जगत में बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं, मीरा के नाम हम क्यों लेते हैं, गोपियों के नाम क्यों लिख गया भागवत में, हमारी मैया की मैया की मैया का नाम को दुनिया कोई पूछ नहीं रही, हमारे बाप की बाप को दुनिया आपको ही पता नहीं होगा, बाप की बाप, तो इनकी पूजा क्यों हुई, एक ही कारण है भगवान के नाम की महिमा जो समझ गया ना, अगर हम भी, लेकिन अभी का जो यह कष्ट आ रहे हैं ना, मतलब बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बन गए, इनकी बड़ी तमन्ना है, मतलब भैया बड़े बड़े हीरो हीरोइन देखो, सुशांत किया हुए ऐसे कितने गए, श्री श्रीदेव भी किया हुए, इसलिए भैया इस जगत में जितने बड़े मोदी मोदी कितना और दोसा जो भी कितना साल के लिए आते हैं, कभी जूता की माला कभी फूल की माला की गले पड़ती है, कभी गोली महात्मा गांधी बली गोली से, इंदिरा गांधी बोले राजीव गांधी बड़ा, इसलिए सोनिया गांधी जी देखकर बैठा नहीं ऊपर, इसलिए उसने बैठी नहीं है, लेकिन कहते बड़ा हीरो बनना है ना, बड़ा हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बन जाओ ना, मीराबाई जैसे गोपियां जैसे हीरोइन बन जाओ ना, दुनिया जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा हुई होती रहेगी, इसलिए बड़ा बनना तो जगत का कोई हीरो हीरोइन बनकर नहीं, भगवान के नाम लेकर के हीरो बन जाओ, ताली बजाओ।
इसलिए जगत में जिसकी जितना उतना प्रतिष्ठा है, जगत में जो जितना भगवान के नाम को जीवन में सार किया, इसलिए शंकर जी की पूजा की, देवी पार्वती की है, गणेश जी की, शंकर जी की, ये हनुमान जी केवल एक ही कारण है जगत में पूजा पा रहे हैं। अगर हम बड़ा बनना चाहते तो भगवान का नाम जप, ठीक है ना। अभी प्रश्न है, हम क्यों भगवान का नाम को ले, ये चीज को समझो, क्यों हम भगवान के नाम को जप करें, इसीलिए क्या जरूरत है, ठीक है। सुन लो एक छोटी कहानी सुन, आज कथा में भी सुनागा आपको सुनू, इसलिए हम भगवान के नाम को ले अच्छे तरह समझ। इसलिए एक समय कोई भी गरीब दरिद्र व्यक्ति था, वो दरवाजा दरवाजा पर भीख मांग रहा, भीख मांगते मांगते किसी सेठ साहूकार घर में पहुंच गया, बड़े ईमानदार पाटी जमींदार, बोले बाबूजी तीन दिन से भूखा हूं, तीन दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ दे दो तेरे भला होगा, पेट में अन्न नहीं कुछ दे दो। सेठ निकले, बोले भैया तू तो हट्टे कट्टे दिख रहे हो, इसलिए काम धाम करके तो कमा कर भी तो खा सकते हैं, ये दरवाजा 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 भीख क्यों मांग रहे थे। बोले मजबूरी में। बोले क्या मजबूरी। बोले मैंने बहुत कोशिश की कोई काम के लिए, लेकिन फेल हो जाता, सोने में भी हाथ लगा वो भी मिट्टी बन जाते हैं, बाद में कोई उपाय नहीं रह गया, इसलिए लास्ट में हमें भीख मांगना पड़ा। बोले एक काम करोगे। बोले बोलो। ये सब कहानी की याद रखना, ठीक है। आप कहीं अगर जाते हो प्रचार, आप अच्छे तरह से कर सकते, ठीक है, सब पूछूंगा, ठीक है। आचार्य दीदी अब बहुत पुरानी हो, हरी कथा को नोट करना, ठीक है, प्रचार करना, ठीक है, बहुत हरि नाम कर लिया, भगवान का नाम प्रचार करना, सही है। इसलिए हाँ देखो, इसलिए तो उन्होंने बोले भैया तू, बोले देखे एक काम करोगे, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है चावल का, मैं तुमको अपना पार्टनरशिप बना देता हूँ, बस आधा तेरा आधा मेरा। अगर रोड में कोई भिखारी जाता हुआ होगा, अगर कोई जमींदार बोल के तुम अपना पार्टनरशिप बन जाओ, कितनी बड़ी बात होगा, बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, ये सच मुझसे बोल रहे ना, मेरे साथ हंसी दिले कर रहे। बोले बाबू जी कुछ नहीं इतना तो मत दिया करो, लेकिन हमसे हंसी दिले क्यों कर रहे, अब कहाँ इतने अलीशान मकान, इतने बड़े सेठ साहूकार, मैं कहाँ रास्ता का रोड का भिखारी, आप मेरे को हंसी खिली क्यों उड़ा रहे। बोले नहीं बेटा खिली नहीं उड़ा रहा, मगर बोलोगे ना पूरा बिजनेस मैं तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन बेटा एक काम करना, मुझे बताओ। बोले 90% तेरा और 10% मेरा, क्या है कि आप जो उसमें फायदा होगा ना मेरे को 10% देना, और दो 90% फाइनल हो गया। बोले अगर दे दोगे ना तीन दो गुना रात चौगुना में परिश्रम करके पैसा कमाओगे, ठीक है। बोले बाबू कोई चिंता मत करो, महीना पूरी होने से पहले 10% पहुंच जाएंगे। अभी सेठ इंतजार कर रहे हैं महीना के अंत में मेरे को 10% मिलेगा। लेकिन जब महीना पूरी हो गया ना, उसने 10% भी देने नहीं, उन्होंने सोचा अच्छी बात, सब काम बिजनेस में बिजी हो गया होगा, हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छे तरह से पैसा कमा ले, दूसरे महीना में 20% आ जाए। अभी दूसरे महीना के लिए इंतजार कर, बोले दूसरा महीना भी नहीं आया, तीसरा चौथा, ऐसे करते 6 महीना बीत गया। उसने सोचा भैया उसका राम नाम सत्य नहीं हो गया, दादा कमाने का चक्कर में उसका राम नाम सत्य नहीं हो गया, फ्राइवर देख करके दादा हूँ। लेकिन जब वो देखने के लिए आए ना, ये क्या आलीशान मकान, क्या बंगला, सामने 5-6 गाड़ी, कीमती गाड़ी रखा हुआ, कितना नौकर चाकर सबके सब काम कर रहे, बड़े धार बार में रह रहा है। लेकिन ये मालिक जब आया ना, देखो वो व्यक्ति वो उतरते हुए आया, एकदम बूट कोट एकदम शॉर्ट पहन के जब आया, जो मालिक था उसने बोले तो मेरे को पहचानते हो, तो वो कहते हैं आप कौन हो, कहते आप कौन हो, बोले कौन हो, बोले याद है तू भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आया था, याद है, आज जो इतना ठाड वाले है ना, इसकी कृपा से मैंने पूरा बिजनेस दे दिया था, और क्या डीली हुई थी 10% देने के लिए, क्यों ये बात बताए ना। बोले हाँ याद तो आ रहा है, याद आ रहा है, बोले आज जो तेरे इतना ठाड वाले है ना, तो मेरी कृपा से मैंने ये बिजनेस पूरा तेरे को दिया था, डील क्या हुई थी 10% मेरे को देने के लिए, और तू 90% रखने के लिए, लेकिन 6 महीना हो गया अभी तक तो सूरत देखने दिखाने के लिए भी नहीं आया, क्या चक्कर है।
क्या बात है, देखो व्यक्ति क्या कहता है, बोले किसके लिए 10% है, तीस बार कमाऊंगा मैं, परिश्रम करूंगा मैं, और तेरे को बैठे बैठे 10% घर में क्यों दूं। अगर आपको साथ में ऐसे हो तो आप वो व्यक्ति को क्या बोलो, आप लोग बोलो क्या बोलो, एहसान करा बोलो, और क्या बोलो, सेल्फिश, और क्या बोलो, और क्या बोलो, इसलिए सूरदास का पद है, बोले जीनी तब देही ताही विसर आई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल धलका। भी सूरदास का भजन है, जिसका भजन है भैया मरी मैं नहीं मुसलमान, उनका भजन है। बोले जीनी तन देगी, अगर वो चाहता है ना रोड का हमें भिखारी बना सकता, जो एक पैसा के लिए दांत निकाल कर दिन भर बैठा हो, अगर वो चाहता तो हमें पेट जन्म दे सकता, वो चाहता तो हमें जानवर जन्म भी बैठ सकता, वो चाहता तो हमें लंगड़े लुढ़ भी बना सकता है कि नहीं, कितने काने कितने काले लोग बैठे हुए, वो चाहता तो कब बना सकता था, लेकिन उसने वो नहीं बनाया, हमें बड़े सुंदर शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया, सब बुद्धि विवेक उसने किसने दिया, किसकी कृपा से मिली है, अब बताओ किसकी कृपा से हमें सब मिली है, भगवान की कृपा से सब कुछ उसने दिया है, उसने सब कुछ दिया है, लेकिन वो क्या कहता है, तुम मेरे को 10% दिया, कितना 10% 9% तू रख, मतलब क्या है, वो पैसा हमसे नहीं मांग रहा है, तो हमें पैसा कमा करके दे, कहते मेरे को समय दो, क्या दो, हमें केवल तुम 10% समय दो, दिन रात मिलकर 24 घंटा होता है ना, और 10% कितना होगा बताओ, तो कितना होगा, हरे कृष्णा, इसलिए 2 घंटा 40 मिनट होगा, है ना, इसलिए ठाकुर जी कहते भैया मेरे को 2 घंटा 40 मिनट दो, मतलब क्या, मेरे भजन करो, मेरे नाम करो, मेरे जप करो, हैं उसको जप कर ले, हम क्या कहते, तू कौन होते, तू कौन होते हो, हैं तू कौन है, तो तेरे लिए हम क्यों करें, बोले देखो वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है, वो मच्छरों को ब्रह्मा ब्रह्मा के मच्छरे 1 मिनट नहीं लगता उसको, करोड़पति को करोड़पति बना सकता है, करोड़पति को रात रात लाल बत्ती जला सकता है, कितने लोग देखो लगला लुड़ा पैरालिसिस हो जाता है, तो जैसे देना जानता है बेच लेना भी जानता है, सब कुछ उसका आता है, हैं लेकिन वो बड़े दयालु बड़े कृपालु, कहते भैया मेरे को 10% दो, मतलब उस समय मेरी की मेरी सेवा में मेरे भक्ति में मेरे भजन में लगाओ, हैं वो कहते हैं, लेकिन हम उसको भी करना नहीं चाहते, ठीक है ना, इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे देखो फैन चलती लाइट चलती है, इसका बिल हम भरते कि नहीं भरते है ना, अगर 2-3 महीना अगर बिल नहीं भरेंगे तो क्या होगा बोलो, कट जाएगी ना, कट जाएगी ना, लेकिन इसके लिए तो हम बिल भर रहे हैं, लेकिन दीप में जो इतना बड़ा लाइट दिया, बताओ किसने उसका बिल भरा, कोई भरा बिल, किसी ने भरे हो बिल, अभी कोरोना आई थी ना, देखे कि नहीं, आपको बताऊंगा ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस हो गया था, देखा ना, मेरे रिश्ते के व्यक्ति परिचित था, 10 हॉस्पिटल उसकी केवल ऑक्सीजन कहीं नहीं, लास्ट में दम तोड़ दिया, तो दम तोड़ दिया लास्ट में, लेकिन जन्म से लेकर अभी सब हमारे नाक को पास में जो ऑक्सीजन देकर रखा, बताओ अभी तो कौन इसको पैसा दिया, एक व्यक्ति तो मैं 2-3 व्यक्तियों का मैंने वृंदावन में था, उनका जो अस्थि को मैंने जमुना में बहाया, एक व्यक्ति आए थे बोले बाबा हमने 40 लाख रुपया पिताजी खर्चा, 40 लाख, लेकिन जान हम बचा नहीं, इतने बोला 25 लाख, इसने बोला 10 लाख, इतने इतने तेज व्यक्ति को पीछे खर्चा किया, लेकिन हम बचा नहीं सके, केवल क्यों ऑक्सीजन, लेकिन जिसने जन्म से अभी तक बिना पैसा का जो नाक को पास में ऑक्सीजन रखा है, बताओ किसने पैसा भरे, कोई भरे हो पैसा, बताओ कौन भरे, नहीं भरेगा, इसलिए ये हमारे सूरदास जी कहते भैया जी तो दही ताही बिसराही कैसे नमक हरामी है, इसलिए भैया हमें नमक हरामी नहीं बरतनी चाहिए, उसको थोड़ा समय हमें
देनी चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज समझो, अक्सर करके संसार में जो काम करके, इस चीज को अच्छे तरह समझ लो, अक्सर करके संसार में जो हम काम कर रहे हैं, देखना अपना लिए बहुत कम है, दूसरों के लिए ज्यादा है। कैसे अपना पति को खुश रखे, कैसे अपना पत्नी को खुश रखे, कैसे सास ससुर पिता माता को खुश रखे, कैसे हम बच्चे को खुश रखे, देखना इसी के लिए ज्यादा करते हैं ना। कभी कभी संसार में ऐसे होगा माताएं सबको खिला पिला करके एक कुछ बचेगा नहीं, दो रोटी नमक से खा देते, खा लेते कि नहीं, हो जाता है ना कभी ज्यादा करके, दूसरों को कैसे खुश रखे। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अभी संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है? बोलो, कोई खुश है? देखना तुम्हारी पीछे चुगली के सिवाय तुम्हारी कुछ भी नहीं होती है, चुगली के सिवाय तुम्हारी पीछे कुछ भी नहीं होती, मतलब ये संसार में तुम इसको खुश कर नहीं सकते। ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी को देखो, ठाकुर कितने दयालु हैं। आपको पता होगा महाभारत युद्ध में लीला में एक समय भगवान कृष्ण का अंगुल कट गया, भगवान परीक्षा कर ले, ठाकुर जी परीक्षा अंगुल कट गए, वहां पर द्रौपदी थी, उसने साड़ी को फाड़ करके भगवान के अंगुल में बैंडेज कर दिया। ठाकुर जी इतने रीख गए, इतने रीख गए, बोले देखो अपना साड़ी को उसने फाड़ करके बैंडेज कर दी, कब मौका मिले इसका रीख में कब झुका। अब महाभारत देखे होंगे, है ना, जब द्रौपदी की कहा जा रही थी, आप बताओ द्रौपदी का कितना पति थे? सर्वश्रेष्ठ गांधी धैर्य अर्जुन गदाधारी थी, तलवार युद्ध में युधिष्ठिर और भाला नकुल सहित भाला युद्ध में युधिष्ठिर, इनके बराबर जगत में कोई नहीं थे, लेकिन ये कोई काम में आए, कोई काम में आए। जब द्रौपदी के पांच पांच पति काम में नहीं आए, तुम्हारे एक एक पति क्या काम एक एक पति कौन सा काम में आएंगे जिसका पांच पांच पति काम में नहीं आए, लेकिन उस समय बताओ काम में आए तो कौन काम में आए, कौन काम में आए। हाँ ये चीज कम समझ लो भैया, काम में आएगा तो वही ऊपर वाला ही, वही काम में आएगा जिसको अपना अपना कर रहे ना। दुनिया कहता है आप कैसे हो, बोले जब तुम जेब में पैसा हो, पैसा कर तुम और, पैसा कर तुम और, दुनिया बड़ा विचित्र है, जो प्रेम प्रेम दिख रहा है ना वो चूंकि सब कुछ आपसे कुछ मिल रहे हो इसलिए वो प्रेम सब दिख रहा है, जगत स्वार्थ में भरा पड़ा हुआ है, स्वार्थ की वजह से सारे प्रेम दिखता है, स्वार्थ में थोड़ी सी इधर उधर हो जाना सारे बिखरते हुए मिले, ठीक है ना। इसलिए करना तो किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना, ठाकुर जी के लिए करना, वो कभी भूलते नहीं है। सुदामा दो बटी चिड़वा दिया ठाकुर, त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर, त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी। इसलिए भगवान के लिए इतना करना, कहते ना एक कदम ठाकुर जी के लिए बढ़ाओ ठाकुर जी दस कदम बढ़ाते हैं, इसलिए कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे। हाँ ये चीज को समझो, इसलिए क्या करनी चाहिए, अपने जीवन में भगवान की भजन, भगवान का नाम जप करनी चाहिए, अंतिम समय में प्रभु का नाम भी हमारे साथ में जाने वाले, इसलिए जीवन में जो कुछ कर लो कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, सैलरी जब छूट जाएगी, सैलरी जब छूट जाएगी, आप बताओ अंतिम समय में चार लोग कदम पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात उठा, यही बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? कभी बात तुम क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा। इसलिए किसको ये बात सुनाते हैं? जो ऊपर जो लेगा हुआ है, कि देख बेटा जीवन में जितने तू राम और कृष्ण का नाम लिए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय जीवन में जो कुछ किए हो, कहते ना सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय जीवन में जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया, जिस पत्नी को तुमने सात फेरा लगा कर शादी किए और रो रो कर आएगी तो दरबार तक आए, उसको आगे पत्नी नहीं बढ़ेगी, परिवार जाएगा तो कहाँ तक, शमशान चले जाएंगे, वहीं पर जला करके खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके वहीं से टाटा करते करते वापस आ जाएगी, उसका आगे कोई काम में नहीं आएगा, तुम्हारी तो काम आएगा तो कौन आएगा। इसलिए मीरा कहती है, भाई जी मैंने
राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सार गुरु कृपा करे आपनायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब लोग सब भजन जानते हो, बिरा कहती है पायो जी मैंने, मैंने पाया क्या पाया है, बोले जितने राम का नाम जितने कृष्ण का नाम लिया वही पाया और इसके सिवाय जगह में सब ही गवायो है। बोले ये धन मिली कहाँ से, बोले दी मरे सतगुरु, ये धन जहाँ कहाँ नहीं मिलती है ये सतगुरु से ही मंत्र मिलता। मतलब क्या, नियम कहती है ऐसे माला लेकर खुद जपना शुरू कर देते हैं, माला किसी शुद्ध वैष्णव से किसी शुद्ध साधु से माला लो, अपने आप करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल आपको माता जी अभी मत दो, माता जी दो मिनट रुक जाओ। इसलिए उसमें फल मिलेगा लेकिन पूरी फल आपको नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे कि गोली है, गोली को आप हाथ में लेकर किसको जोर से मारो लगेगा थोड़ी बहुत, लेकिन कोई गोली को बंदूक पत्थर में डालकर मारोगे तो क्या होगा, इस पार से उस पार हो जाएगा। इसलिए पैसे हरिनाम करना, फिर हरिनाम एक दुनियादारी वस्तु देगा लेकिन आपको प्रभु की प्रेम नहीं देगा, लेकिन जब किसी सद्गुरु से आप लेकर करेंगे फिर तो इस पार से उस पार हो जाएगा। मतलब क्या है, वो हमें भगवान की भगवान तक, वो हमें ठाकुर तक फिर पहुंचा देता है। इसलिए नियम है हमें किसी शुद्ध साधु से नाम लेकर जब करेंगे फिर वो नाम से क्या करेगा, वो नाम हमें भगवान तक पहुंचा देगा, ठाकुर तक पहुंचा देगा। जैसे देखो जैसे बिजली चलती है, ये कहाँ से आ रही है, अगर आपने सब बिजली घर में पूरा वायरिंग कर दिया लेकिन मैं लाइन में जुड़े नहीं हुआ, जलेगा फिर नहीं, जब वो जलेगी नहीं, क्योंकि मैं लाइन में तुमने जुड़े नहीं हो। तो उसी तरह जब तक किसी शुद्ध परंपरा से नहीं जुड़ते है ना, तब तक ये भगवान का जो नाम है तुम्हें ठाकुर तक नहीं ले जाएगा, ये दुनिया की वस्तु देकर उसी में तुमको इसमें डाल रखेगा। इसलिए नियम है, इसलिए मीरा कहती है दी मरे सदगुरु, ये सदगुरु ने ही हमको माला दी, ये हरिनाम दिया है जगह, दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। कहती है धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दी अधिन भड़त सवारी, ये धन चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, लूटने वाले नहीं फूटने वाले नहीं, ये धन चोर बढ़ती रहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम समझाते हो, एक दिन महाप्रभु एक चीज शिक्षा देने के लिए बोले, देखो महाप्रभु का निमंत्रण दिया भक्तों ने, हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु बोले देखो सबको घर में मैं भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति होगा। आज से 5.5 साल पहले आसानी बात नहीं थी, उस समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, अभी तो भक्त लोग दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 1000 रुपया थे कि नहीं, 1000 रुपया मतलब 1000 स्वर्ण मोहर, बोले 1000 की बात छोड़ दो, हमारे 100 रुपया भी सब की बात छोड़ दो, हमारे घर में 50 रुपया भी हमारे घर में है नहीं, बोले प्रभु क्या हमारे घर में भोजन नहीं करते। अरे महाप्रभु सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, बाद में आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियों का काल हुए, सोना चाहती माया बालो मैं समझाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा। अब सब गाते हो, सब जानते हो, हाँ मेरे तरफ में देखो, अब लखपति कैसे बनोगे, महाप्रभु सिखाते हैं, देख लो हमारे तरफ में, मुझे लगता है यहाँ पर तो ज्यादा सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, ज्यादा हरिनाम जिनके पास में माला नहीं ना, एक एक माला ले लेना, ठीक है, आप लोग देख लो कैसे माला जप करना, इधर देख लो, इधर तो माला से तो माला बन गया, माल बन गया,
माला नहीं ना, अब लोग माला लेता। देख लो कैसे लखपति कैसे मतलब कहते कि भगवान स्वयं बता रहे, जैसे ये अंगुल को ना इसमें टच नहीं करते क्योंकि ये गंदा हो, सबसे पहले ये निकलता है, बोलते ना तुमको देख लेंगे ना, इसलिए अंगुल को ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए इसको बाहर रखते हैं और उसको बीच वाले अंगुल को रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करना एक मोती सरकार से, फिर दो बार बोलेगे दो मोती, तीन बार तीन मोती, जब यहाँ खत्म हो जाती है फिर इसको पार नहीं करके फिर इधर घुमा देते हैं, क्योंकि सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है। एक लाख ऐसे होता है, देख लो जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। तो जब दो पति सरकाए कितना हो गया? 32। चार पति सरकाएंगे तो 64। इसलिए एक पति सरकार हो जाता है 16 बार हो जाता है। अगर पूरी ऐसे माला अगर 16 माला अगर हमने जप कर लिया तो वो हिसाब से हो जाता है 25,000। अगर 16 माला कर लिया तो, अगर 64 माला कर लिया ना, हो जाएगा कितना? 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 माल डिपॉजिट हो गई, 1,00,000 माल टाका रुपया डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसका ब्याज कितने मिलेगा? ब्याज तो मिलने चाहिए नहीं, इसलिए मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सवाल। आज अगर 1,00,000 दिया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, कितना मिलेगी? 1,25,000। चार दिन में 2,00,000, चार दिन में 2,00,000, चार दिन में ये धान इतने जल्दी बढ़ती है। और ये धान अगर पति कमाएगा ना, पत्नी नहीं ले सकती, अगर पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता है, इसको जो कमाएगा ना इसी जीवन में मालिक आप ही बनोगे, और अगली जीवन में तो ब्याज समेत आपको मिलेगी, ब्याज समेत आपको मिलेगी। इसलिए हमारे जो गुरु जी भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज बहुत बड़ी बात कहते थे, ये चीज को ध्यान देकर सुनो, वो कहते थे अगर किसको बोलता हरिनाम करने के लिए समय कहा है? बोले क्यों समय है? बोले बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा कर जाऊ ना। गुरु जी कहते थे खबरदार बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाया करो, बच्चा होनहार होगा ना कमा ही लेगा, नालायक बनेगा ना, जितने तुमने पैसा कमा करके जा रहे जुआ खेल करके शराब मांस खा करके सब के सब बर्बाद कर देगा। आप देखना किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, किसकी बच्चे आप देख रहे, जिसका पिता जितने ज्यादा पैसा कमा कर गए उसका बच्चा उतना ही बिगड़ता हुआ दिखता, क्यों? उसको तो पता नहीं ना पिताजी कितने कष्ट करके पैसा कमाए, वो तो सोचता ऊपर से मिल गया, वो पैसा हमें ऊपर से मिल गया है। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया ये धन को कमाओ, भगवान की नाम धन को कमाओ, जो धन में धनी बनोगे ना। इसलिए मीरा कहती है ना जिन जिन ने ये मोती लूटे उस सब माला माल हुए, और माया के जो मैंने पुजारी आखिरी हो। हाँ गुरुदेव कहते भैया ये धन को जीवन में लुटाओ, अगर जीवन में शांति और सुख में रहना चाहते हो ये धन को लूट करके धनी बन जाओ एक बार है, पर जन्म जन्मांतर तुम्हारी सुधर जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, कौन लूटेगा? हाँ जिन लोगों के पास में माला नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर अक्सर लोगों से माला है, हाँ जिनके पास में माला नहीं है अब लोग एक एक माला ले लो, ठीक है ना? एक प्रोजी माला थी तो इधर दो, एक एक माला ले लो, अब भी करना बच्चों को भी माला जप करवाना। हरे कृष्णा किसके पास में नहीं है? किसके पास में नहीं माला? इधर आ जाओ, ये माला भी देखो, इसलिए माला दे रहा हूँ आपका, पहले तो करते हो गए लेकिन नियम बना नहीं होगा, जब किसी साधु से लेते हैं ना लगता ही नहीं, आज से हम इसको नियम से ये माला हमें करनी चाहिए, फिर उसमें नियम बनता है। आपको बता दू पकड़ो मैं बता दू और माला है इधर आ जाए घर में, अरे घर में नहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हो, साथ से लोग तो मीरा क्या कहती मेरे सदगुरु उनसे लोगों से लाभ होगा, नहीं तो घर में अपने आप करने से नहीं होगा। अब आपको मैं बता दूंगा कैसे माला करना।
घर में जा सकते हैं। हाँ घर में क्यों नहीं, घर में भी जाओ, जाओ घर में जाए। अब आज आज हरे कृष्णा है ना, अपने आप कर रहे हो ना, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से लोग ना मेरे करोगे नहीं तो इसको लेकर लटका कर रख लोगे। अब ये समझो, आज जो ये माला मिला है ना, इतना दिन तक जो ये सत्संग में आ रहे हो, समझो आप तो पूरा फल आपको मिला है। आज ही ये सत्संग का भले भगवान के नाम में रुचि बना।